दोस्तों डिजी लॉकर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आई है। अब आप व्हाट्सएप से ही डिजी लॉकर को यूज़ कर पाएंगे, व्हाट्सएप में ही डिजी लॉकर के सभी तरह के डॉक्यूमेंट को डाउनलोड या इशू कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें कैसे करनी है इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट बताया है, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा ज़रूर देखें। इसके लिए आपको अपने फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट नंबर को सेव करना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा, इसे आपको सेव करना है। न्यू कॉन्टैक्ट पर क्लिक करेंगे, जिस भी नाम से आप इसे सेव करना चाहते हैं बस आपको उस नाम को यहाँ पर टाइप करना है। जैसे कि मैं इसे डिजी लॉकर के नाम से सेव करना चाहता हूँ, फिर आप ओके पर क्लिक करेंगे, आपका ये कॉन्टैक्ट आपके इस फ़ोन में सेव हो जाएगा। कॉन्टैक्ट नंबर सेव होने के बाद आपको अपने फ़ोन में व्हाट्सएप को ओपन करना है। ओपन करने के बाद इस चैटिंग वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको उस कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च करना है जिसे अभी आपने यहाँ पर सेव किया था। तो मैंने यहाँ पर डिजी लॉकर नाम से इसे सेव किया था, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिजी लॉकर नाम से कॉन्टैक्ट आ गया है। इसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही इस तरह का एक चैटिंग ओपन होगा। यहाँ पर आपको करना क्या है, सिंपली आपको हाई लिखकर सेंड करना है। सेंड करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, आपके सामने इस तरह का एक मैसेज आएगा, नमस्ते। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कोविन सर्विसेज को लेना चाहते हैं या डिजी लॉकर सर्विसेज को लेना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर डिजी लॉकर सर्विसेज को लेना चाहते हैं, तो आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके वेट करना है। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आपका डिजी लॉकर अकाउंट पहले से बना हुआ है या नहीं। अगर आपका डिजी लॉकर अकाउंट नहीं बना हुआ है तो यहाँ पर आपको नो पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही कुछ सेकेंड वेट करेंगे, ये आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि अपना आधार कार्ड नंबर टाइप करके सेंड पर क्लिक करना है। सेंड पर क्लिक करते ही आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पर आपको एंटर करके सेंड करना है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है, उस ओटीपी को यहाँ पर एंटर करेंगे, सेंड पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे। अगर आपका ओटीपी नहीं जाता है तो यहाँ पर आप चाहें तो रीसेंट ओटीपी पर क्लिक कर सकते हैं। OTP आपका यहाँ पर वेरीफाई हो रहा है, देख सकते हैं कि यहाँ पर मैसेज आ गया है, योर अकाउंट हैज़ बिन ऑलरेडी क्रिएटेड। मेरा अकाउंट पहले से यहाँ पर बना हुआ था इसीलिए यहाँ पर इस तरह का मैसेज आ रहा है। आपका अकाउंट अगर नया होगा तो यहाँ पर मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बिन क्रिएटेड। अब आपको यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर आपको मेन मेनू पर क्लिक करना है, या आप चाहें तो यहाँ पर मेनू भी टाइप कर सकते हैं। जैसे आप मेनू टाइप करेंगे, सेंड करेंगे, कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके सामने फिर उसी तरह से मैसेज आ जाएगा जिस तरह से आपका शुरू में मैसेज आया था। फिर से आप यहां पर डिजी लॉकर सर्विसेज पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड यहां पर आपको वेट करना है। अब यहां पर आपसे फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है या नहीं। तो मेरे पास डिजी लॉकर अकाउंट है, तो हम यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, फिर से ये आपका आधार कार्ड नंबर मांगेगा, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर देकर सेंड पर क्लिक करना है। आधार नंबर सेंड होते ही आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर फिर से एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर आपको उसी तरीके से इंटर करना है जैसे अभी आपने इंटर किया था। फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, आपके OTP को यहाँ पर वेरीफाई किया जा रहा है। OTP वेरीफाई होने में 30 सेकंड तक का समय लग सकता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे इस डिजी लॉकर अकाउंट में जितने भी डॉक्यूमेंट पहले से इशू होंगे उसकी लिस्ट आ जाएगी। तो मेरे इस डिजी लॉकर अकाउंट में ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पॉलिसी डॉक्यूमेंट और गाड़ी का RC पहले से इशू किया गया है। तो मैं चाहूँ तो अपने इस डिजी लॉकर अकाउंट से इन सभी डॉक्यूमेंट को अपने व्हाट्सएप में डाउनलोड कर सकता हूँ। जिस भी डॉक्यूमेंट को आप अपने डिजी लॉकर अकाउंट से डाउनलोड करना चाहते हैं बस आपको यहाँ पर उस डॉक्यूमेंट के आगे वाले नंबर को टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर पैन कार्ड डाउनलोड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा 2, फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है, यहाँ पर वेट करने के बाद आपका यहाँ पर पैन कार्ड आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं, प्लीज़ अलाउ मी अ मोमेंट टू गेट योर डॉक्यूमेंट। तो देख सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड यहाँ पर आ गया है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, या आप इसे सेंड भी कर सकते हैं या शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरा पैन कार्ड ओपन हो चुका है जो कि डिजी लॉकर से वेरीफाइड है। अब आपको वापस से बैक आना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप दूसरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं या आप मेन मेनू में जाना चाहते हैं। अगर आप दूसरे डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अदर डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। फिर से आपके सामने उसी तरह का ऑप्शन आएगा जिस तरह का अभी ऑप्शन आपके सामने आया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर फिर से ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं कि दो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, इशू और आधार का। आप चाहें तो अपने डिजी लॉकर अकाउंट से
दूसरे डॉक्यूमेंट को इश्यू भी करवा सकते हैं। यानी कि अगर आपके डिजीलॉकर अकाउंट में पहले से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप नया डॉक्यूमेंट इशू करवा कर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। इशू करने के लिए यहाँ पर आपको इशू पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनमें से कौन से डॉक्यूमेंट को इशू करवाना चाहते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 10 का मार्कशीट, क्लास 12 का मार्कशीट, या व्हीकल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, या टू व्हीलर का इंश्योरेंस पॉलिसी, या आप चाहें तो लाइफ या नॉन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी यहाँ पर डाउनलोड या इशू करवा सकते हैं। तो इशू करवाने के लिए बस आपको यहाँ पर नंबर टाइप करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लास 10 का मार्कशीट डाउनलोड या इशू करवाना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपली 4 नंबर टाइप करूँगा। तो बस आपको यहाँ पर नंबरिंग टाइप करना है, फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब यहाँ पर आपको इस लिस्ट में से अपने एग्जामिनेशन बोर्ड को सेलेक्ट करना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको लंबी लिस्ट दिख जाएगी। जो भी आपका एग्जामिनेशन बोर्ड है उसे आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे कि मैं CBSE का क्लास 10 का मार्कशीट डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर CBSE ढूंढूंगा। तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 13 नंबर पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE है। तो मुझे यहाँ पर करना क्या है कि सिंपली मुझे यहाँ पर 13 लिखकर सेंड करना है। सेंड करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। अब ये आपसे यहाँ पर कुछ और सवाल पूछेगा। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि अपने मार्कशीट को डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर देना होगा। तो यहाँ पर मुझे अपना रोल नंबर टाइप करके सेंड पर क्लिक करना है। रोल नंबर सेंड करने के बाद अब आपसे ये एग्जामिनेशन ईयर पूछा जा रहा है कि आपने कौन से साल में अपना एग्जाम दिया था। तो मैंने यहाँ पर 2017 में 10th का एग्जाम दिया था, तो मैं यहाँ पर 2017 लिखूंगा। फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। ये आपके डिटेल को वेरीफाई कर रहा है, आपके डॉक्यूमेंट को फेच कर रहा है। कुछ सेकंड यहाँ पर आपको वेट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लास 10 का मार्कशीट आ चुका है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड करके अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। तो ये PDF में है, तो चलिए मैं आपको इसे ओपन करके दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि क्लास 10 का मार्कशीट यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, जो कि डिजीलॉकर से वेरीफाई है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर कई सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और इशू करवा सकते हैं। जो भी डॉक्यूमेंट आपको इशू करवाना है, बस आपको उस डॉक्यूमेंट के सामने नंबर को टाइप करना है और जो भी डिटेल यहाँ पर आपसे पूछी जाएगी उसे आपको सिंपली देते जाना है। आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर इशू हो जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आप चाहें तो अपने आधार कार्ड के डिटेल को भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको यहाँ पर मेन मेनू पर क्लिक करना है, या आपको यहाँ पर सिंपली टाइप करना है मेनू, फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। फिर से आपके सामने उसी तरह का पेज आ जाएगा जैसे शुरू में आया था। अब यहाँ पर आपको डिजीलॉकर सर्विसेज पर क्लिक करना है। कुछ सेकंड वेट करेंगे। यहाँ पर आपसे फिर से वही पूछा जा रहा है कि आपका डिजीलॉकर अकाउंट है या नहीं, तो हम यस पर क्लिक करेंगे। फिर से आप अपना आधार कार्ड नंबर देकर सेंड पर क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे। आपके इस आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। उस OTP को यहाँ पर आपको एंटर करना है। OTP इंटर करने के बाद आपके इस OTP को वेरीफाई किया जाएगा। कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। OTP वेरीफाई होते ही आपके सामने फिर से इसी तरह का मैसेज आ जाएगा। नीचे आपको इशू और आधार का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आधार पर आप क्लिक करेंगे। कुछ सेकंड वेट करेंगे, यहाँ पर आपके आधार कार्ड की सभी डिटेल आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड की डिटेल फोटो में आ गई है। इसे आप डाउनलोड करेंगे। इस पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कंप्लीट एड्रेस लिखा होगा, जैसा डिटेल आपके आधार कार्ड पर लिखा है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं या इशू करवा सकते हैं। अगर आप अपने इस चैटिंग के लैंग्वेज को हिंदी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पर टाइप करना है हिंदी, फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब जो आपकी यहाँ पर चैटिंग होगी वो हिंदी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैटिंग जो आने लगा है वो हिंदी में आ गया है। इसी तरीके से अगर आप इंग्लिश में अपनी चैटिंग को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो बस आपको यहाँ पर टाइप करना है इंग्लिश, फिर आप सेंड पर क्लिक करेंगे। अब जो आपकी यहाँ पर चैटिंग होगी वो इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चैटिंग इंग्लिश में आने लगा है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर कोविन सर्विसेज को भी ले सकते हैं, यानी कि आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट को भी अपने व्हाट्सएप पर ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको मेन्यू टाइप करना है, सेंड पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही कुछ सेकंड वेट करेंगे, आपके सामने वही वाला मैसेज आ जाएगा जिस तरह से शुरू में आया था। अब आपको यहाँ पर कोविन सर्विसेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। आपके सामने फिर से एक रिप्लाई आएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप कौन से सर्विसेज को लेना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर यहाँ पर आपको वैक्सीन बुक अपॉइंटमेंट और डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 नंबर टाइप करके सेंड पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है। यहाँ पर आपसे कुछ और ऑप्शन पूछी जाएगी।
अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो हमें अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट को डाउनलोड करना है, तो आप देख सकते हैं कि दूसरे नंबर पर डाउनलोड कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें यहाँ पर दो नंबर टाइप करना है, फिर सेंड पर क्लिक करेंगे। फिर से यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, यहाँ पर 2 से 3 सेकंड टाइम लग सकता है। अब यहाँ पर आपके इस रजिस्टर नंबर पर एक ओटीपी जाएगा, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर ओटीपी जाने में देर होती है तो आप चाहें तो यहाँ पर रीसेंट पर क्लिक करके ओटीपी को दोबारा मंगवा सकते हैं। ओटीपी देते ही यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, आपके ओटीपी को वेरीफाई किया जाएगा। अब यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपके इस कोविन रजिस्टर नंबर पर दो मेंबर पहले से रजिस्टर है, किस मेंबर का आप यहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर दूसरे नंबर वाले मेंबर का कोविन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर दो नंबर टाइप करूँगा, सेंड पर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ सेकंड वेट करना है, जिस भी मेंबर के लिए यहाँ पर आपने रिक्वेस्ट डाला है उस मेंबर का वैक्सीन सर्टिफिकेट आपके इस व्हाट्सएप पर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वैक्सीन सर्टिफिकेट पीडीएफ में आ गया है, इसे आप डाउनलोड करेंगे और आप चाहें तो इसे ओपन करके अपने मोबाइल में सेव करके रख सकते हैं या आप इसे किसी को भी शेयर कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेरा वैक्सीन सर्टिफिकेट मेरे फ़ोन में डाउनलोड हो चुका है। इसी तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर कई सारे सर्विसेज को ले सकते हैं। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक भी कर सकते हैं। अगर आप वैक्सीन लेना चाहते हैं तो व्हाट्सअप से ही आप चाहें तो अपने अपॉइंटमेंट को बुक कर सकते हैं।